हेलो एंड वेल्कम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। यदि आप वजन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और कई विकल्प ट्राई करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं चार आयुर्वेदिक टॉनिक्स जो न केवल वजन बढ़ाने में मदद करने का वादा करते हैं बल्कि कुछ ही समय में परिणाम भी देते हैं। सबसे पहला है पतंजलि बादाम पाक। पतंजलि के सबसे अच्छे उत्पादों में से एक है पतंजलि बादाम पाक। यह आंतरिक शक्ति का निर्माण करने में मदद करता है, वजन बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही मानसिक थकान, माइक्रोबियल संक्रमण, तनाव और कब्ज को रोकता है। इसमें मुख्य सामग्री है बादाम, घी, इलायची, जायफल, केसर, दालचीनी, स्वर्ण भस्म, पिस्ता और लौंग। वजन बढ़ाने के लिए पतंजलि पाक इस तरह ले सकते हैं। बच्चे दिन में 2 बार 5 ग्राम पतंजलि बादाम पाक दूध में मिलाकर ले सकते हैं। एडल्ट्स दिन में 2 बार दूध में 10 ग्राम पतंजलि बादाम पाक मिलाकर ले सकते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं दिन में 2 बार पानी के साथ 10 ग्राम तक पतंजलि बादाम पाक ले सकती हैं। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। च्यवनप्राश वजन बढ़ाने के लिए सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक नुस्खा है। यह जड़ी बूटियों का मिश्रण है और इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो वजन बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। इसका सेवन सभी उम्र और लिंग के लोग बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। यह पाचन को तेज करके वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसका सेवन करने से आपको जल्दी भूख लगती है और साथ ही भूख भी बढ़ जाती है। इसकी मुख्य सामग्री है आंवला, शहद, तिल का तेल, गुड़ुच्ची और घी। च्यवनप्राश की खुराक वजन बढ़ाने के लिए 13 से 19 वर्ष के लोग दिन में 1 से 2 चम्मच तक च्यवनप्राश ले सकते हैं। 20 से 60 साल के लोग दिन में 2 से 3 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। 60 साल की उम्र के लोग 1 से 2 चम्मच से ज्यादा च्यवनप्राश एक दिन में ना खाएं। गर्भवती महिला केवल 1 चम्मच च्यवनप्राश ले सकती है। डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी 1 चम्मच च्यवनप्राश ले सकती हैं। च्यवनप्राश को यदि आप 1 ग्लास गर्म दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सर्दियों में च्यवनप्राश खाने के बाद आप 1 ग्लास गर्म दूध पी सकते हैं और गर्मियों में च्यवनप्राश खाने के बाद 1 ग्लास ठंडा दूध भी लिया जा सकता है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर से बात करने के बाद ही च्यवनप्राश की खुराक तय करें। शतावरी जिसका अर्थ है 100 जड़ें, यह वजन बढ़ाने के लिए एक प्रभावी दवा है। यह आमतौर पर महिलाओं को उनके प्रजनन प्रणाली, पाचन का समर्थन करने और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन को संतुलित करने के लिए दी जाती है, लेकिन यह पित्त को संतुलित करने और शरीर के तरल पदार्थों को अवशोषित करके वजन बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए शतावरी की खुराक। शतावरी कैप्सूल भोजन के बाद दिन में 2 बार 1-1 कैप्सूल लें और यदि आप शतावरी पाउडर का उपयोग कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच शतावरी पाउडर को आधा चम्मच शहद में मिलाकर और फिर इसको दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण अश्वगंधा पौधे के फल, पत्तियां और जड़ें हर्बल औषधि के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसे भारतीय जिनसिंग के रूप में भी जाना जाता है। अश्वगंधा चूर्ण प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, हार्मोन को संतुलित करने, पाचन में सुधार, लीवर की रक्षा और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसका उपयोग वजन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह भूख बढ़ाने में मदद करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है। अश्वगंधा चूर्ण की खुराक वजन बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 300 से 500 मिलीग्राम अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप इसे नींबू के रस के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। शतावरी और अश्वगंधा का चूर्ण बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप चाहें तो 100 ग्राम शतावरी का चूर्ण ले लें और 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण भी ले लें और इन दोनों को मिक्स कर लें। फिर रोजाना सुबह और शाम आधा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम चूर्ण को गर्म दूध में मिलाकर पिए। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा और शतावरी के चूर्ण से बनी यह दवा का असर 1 हफ्ते में ही दिखने लगता है। इसके सेवन से आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि यदि आप अश्वगंधा और शतावरी का सेवन कर रहे हैं तो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।